तो चलिए स्टार्ट करें। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Oppo K3 की। जी हाँ, ये फोन लॉन्च होने वाला है 23 मई को चाइना के अंदर, और लास्ट ईयर हमें देखने के लिए मिला था चाइना में 23 मई को K1, और इंडिया के अंदर ये K1 अभी लॉन्च हुआ है जाकर। तो हो सकता है K3 भी हमें कुछ महीनों बाद देखने के लिए मिले, बट स्टिल यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन आई है उनको देखने के बाद इस फोन के लिए यहाँ से वेट करना बहुत मुश्किल सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिले हैं इस फोन के अंदर। और ये जो फोन है वो लिस्ट हो चुका है JD.com पर, तो बिल्कुल अब ऐसे कन्फर्म हो चुका है कि ये फोन 23 में कोई चाइना के अंदर आने ही वाला है। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिले हैं जैसे कि मैंने बताया, और जैसे कि 2019 का ट्रेंड रहा है पॉपअप कैमरा सेंसर और 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, तो इस फोन के अंदर भी आपको कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पर आपको पॉपअप कैमरा सेंसर तो देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी फोन की सारी लीक्स की, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं फॉलो, और ट्विटर पर जरूर कर लेना, मैं वहां पर पहले ही लीक्स डाल देता हूं कि क्या आने वाला है नया वीडियो के अंदर और किस चीज की लेटेस्ट लीक्स आई हैं। तो अगर आप लीक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो पहुंच जाइए जल्दी जल्दी। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है विद 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और ये चीज बिल्कुल कंफर्म है ओप्पो की तरफ से ही। और यहां पर आपको काफी पतली पतली बेजल देखने के लिए मिलेंगी, चिन काफी छोटी होने वाली है, और नॉच तो होगी ही नहीं क्योंकि यहां पर आपको पॉपअप कैमरा सेंसर दिया गया है। अब इसकी स्क्रीन में आपको एक काफी अच्छी चीज देखने के लिए मिली है, एक तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो है DC डिमिंग। तो यहां पर आपके जो नॉर्मल फोन्स हैं वो यूज करते हैं PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो जब भी आप अपने फोन की ब्राइटनेस को बिल्कुल ऐसे हाई लेवल पर पहुंचा देते हैं तो आपके सारे पिक्सल्स ऐसे जलने लग जाते हैं बिल्कुल अपनी हाई इंटेंसिटी पर, और जैसे आप कम करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो ज्यादा बार बुझते हैं और कम बार जलते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो चुकी है, और जब आप ऑन कर देते हैं उसे फुल पर तो वो ज्यादा बार जलते हैं और कम बार बुझते हैं। तो इस चीज को थोड़ा नोट करना, ज्यादा बार बुझना और कम बार जलना यानी कि लो, और ज्यादा बार जलना और कम बार बुझना यानी कि हाई। तो इस चीज को लेकर काफी लोगों की आईज जो है वो सेंसिटिव होती है और उनकी आईज में पेन होने लगता है और उन्हें ऐसे चश्मे लगाने पड़ते हैं मेरी तरह, तो यहां पर उस चीज का ऐसे इलाज निकाल दिया गया है जिसका नाम है DC डिमिंग। तो यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपको OnePlus 7 Pro के अंदर और OnePlus 7 के अंदर देखने के लिए मिली है अभी OTA अपडेट के थ्रू। तो एक्चुअल में DC डिमिंग के फायदे तो हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन है वो कम फ्लिकर करती है और आपकी आईज पर ऐसे स्ट्रेन नहीं पड़ता। अब इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ी क्वालिटी को कम कर देता है OLED पैनल की। अब वो ऐसे इस वजह से क्योंकि वो करंट सप्लाई को कम कर देता है पिक्सल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्राइटनेस कम हो जाती है और जो क्लियरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, बट स्टिल यहां पर OnePlus ने इसका कुछ तोड़ निकाल लिया है और जब भी आपको OTA अपडेट के थ्रू देखने के लिए मिली है DC डिमिंग। Got it. तो खैर इतने ज्ञान के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी और स्पेसिफिकेशन की। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है इस फोन पर, वो भी 6th जनरेशन, और नीचे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm जैक, स्पीकर ग्रिल्स कंफर्म है ये चीज, और यहाँ पर आप इमेज देख भी रहे होंगे। और बैक पैनल की बात करें तो बिल्कुल F11 Pro की तरह ही लगता है देखने में। एंड यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको S शेप वाली ग्रेडिएंट फिनिश देखने के लिए मिलने वाली है, और डुअल रियर कैमरा सेटअप, और बैक पर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है क्योंकि आपको फ्रंट पर देखने के लिए मिला है। By the way, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक बैक कैमरास की कोई लीक नहीं है, बट स्टिल मैं सोचता हूँ यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब पॉपअप कैमरा सेंसर की बात करें तो ये बाहर की तरफ आएगा निकलकर 0.74 सेकंड्स के अंदर, और ओप्पो क्लेम करती है कि हमने इसे 200,000 बार टेस्ट कराया और ये बिल्कुल सही चल रहा है, तो ग्रेट। अब यहाँ पर जो आपको पॉपअप कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा वो होगा 16 मेगापिक्सल का विद फोकस एपर्चर f2.0, और काफी सारे ऐसे ब्यूटिफिकेशन वाले ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं इस फोन के अंदर। वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें मेन की, इसके अंदर आपको SoC कौन सा देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो SoC देखने के लिए मिलेगा वो होगा स्नैपड्रैगन 710, और ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। तो स्नैपड्रैगन 710 आपको रियलमी 3 प्रो में देखने के लिए मिला है, काफी अच्छा फोन है। रियलमी एक्स के अंदर भी देखने के लिए मिला है, लेकिन वो चाइनीज वेरियंट है, और इंडिया में जो वेरिएंट आएगा उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730 और 855 के दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। ओ मैंने लीक दे दी। और उसका जो बेस वेरिएंट होगा वो 18,000 रुपीज से चालू होगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसे भर दीजिए कमेंट सेक्शन को, और आप जाकर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं फॉलो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू वॉच योर आर्ट फीस, स्टेट इन विद द चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय। अगर मैं हार अकल हुआ बेसहार अकल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ, बात ये बता रहा कल की, कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा, जितने भी हैं।